महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में एक महिला और उसके पति को उसके पिता और अन्य रिश्तेदारों ने इसलिए आग लगा दी क्योंकि वह सभी दोनों शादी से नाखुश थे। पुलिस अधिकारी ने बताया कि रविवार को पुणे के अस्पताल में महिला की मौत हो गई। महिला का पति 40% तक झुलस गया और वह जिंदगी की जिद्दत कर रहा है। घटना को औरंगगिरी बताते हुए कार्यकर तहसील के निरीक्षक विजय कुमार बुत्रे ने बताया कि मंगेश चंद्रकांत राणा सिंह 30 और उसकी पत्नी रुक्मणी भारतीय को आग लगा दी क्योंकि अलग जाति के होने के बावजूद दोनों ने शादी की। निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक राणा सिंह और रुक्मिणी ने परिवार वालों की इच्छा के खिलाफ जाकर शादी की। इस साल 28 अप्रैल को वह अपने अभिभावकों से मिलने निगोज गांव गए थे। 1 मई को मंगेश ने उसे अपने गांव ले जाने को कहा। अधिकारी ने बताया कि महिला के पिता रामा भारतीय, उसके चाचा सुरेंद्र कुमार और मामा घनश्याम राणे ने दोनों ने एक कमरे में बंद किया और 1 मई को आग लगा दी। पड़ोसियों ने चीख पुकार सुनकर दोनों को बचा और पुलिस को सूचित किया। सभी आरोपियों को भागने में कामयाब रहे हैं। PM News 24 की रिपोर्ट।